आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। झारखंड में ट्रेन हादसा, 12 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। झारखंड के जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से कम 12 मुसाफरीन की हलाकत का अंदेशा जाहिर किया गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि एक ट्रेन में आग लगने की खबर सुनकर मुसाफरीन में अफरा तफरी मच गई, वो ट्रेन से बाहर निकलकर खड़े हो गए। इसी असना में दूसरी लाइन पर एक और तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी, जिसकी जद में आकर 12 मुसाफरीन हलाक हो गए, जबकि दीगर कई जख्मी होने की इत्तला है। इत्तलात में बताया गया है कि भागलपुर से बेंगलुरु जाने वाली इंगा एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से मुसाफिर इस ट्रेन से उतर गए थे, क्योंकि वो आग से बचना चाहते थे। जब इन्होंने मुबैना आग से बचने के लिए पटरियों के इस पार भागने की कोशिश की, एक और लाइन पर आ रही ट्रेन की जद में आ गए, जिसके नतीजे में 12 मुसाफिर हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। मुकाम हादसे पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जामताड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जख्मियों को जामताड़ा लाने के लिए तिब्बी टीमें, 4 एम्बुलेंस और 3 बसें मौके पर ही पहुंच गई हैं। मजीद तफसीलात का इंतज़ार है। जिस मुकाम पर हादसा पेश आया वो ज़िला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर बताया जाता है। टेले वाली मस्जिद या लक्ष्मण टेला, अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त खारिज की, कहा हिंदू फरीक का मुकदमा काबिल समात। ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब टेले वाली मस्जिद से मुतालिक भी अदालत ने फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में वाक़ टेले वाली मस्जिद तनाज़े पर सिविल कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सुनाया, जो कि मुस्लिम फरीक के लिए मायूस कुन है। दरअसल टेले वाली मस्जिद के ताल्लुक से मुस्लिम फरीक ने रिविजन पिटिशन अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत का कहना है कि हिंदू फरीक का मुकदमा काबिल समात है। दरअसल हिंदू फरीक ने टेले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टेला बताते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि टेले वाली मस्जिद दरअसल मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदू फरीक का कहना है कि औरंगज़ेब के वक्त में लक्ष्मण टेले मंदिर को मुनदम करके वहाँ पर टेले वाली मस्जिद बनाई गई थी। सबूत के तौर पर बताया गया था कि मस्जिद की दीवार के बाहर शीश नागेश पाताल, शीश नागेश तिलकेश्वर महादेव और दीगर मनुद वाक़े हैं। इसे अदालत ने काबिल समात करार दिया, जिस पर मुस्लिम फरीक ने रिवीजन पिटिशन दाखिल किया था, और आज समात के दौरान अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया। इंटरमीडिएट इम्तहानात आज से हुए शुरू, 3 तुलबा नकल नवेसी करते हुए पकड़े गए। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का पुरमन आगाज हुआ। आज रियासत भर में इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए सेकंड लैंग्वेज इम्तहान मुनक्किद हुआ, जिसमें पर्चे सवालात का सेट ए इस्तेमाल किया गया। जुमला तकरीबन 5 लाख तुलबा को इम्तहान में शिरकत करना था, ताहम 4,88,000 तुलबा ने ही इम्तहान तहरीर किया। तकरीबन 20,000 तुलबा इम्तहान से गैर हाजिर रहे। जुमला 3 तुलबा को नकल करते हुए पकड़ लिया गया, जिनमें करीम नगर, निज़ामबाद और जनगांव से एक एक तालिब इल्म शामिल हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की यात्रा पर अंडों से हमला। तेलंगाना के वरंगल ज़िले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजाहता यात्रा पर बाज़ अफराद ने अंडों से हमला कर दिया। जब यात्रा भीमा देवरापल्ली मंडल के करीब से गुजर रही थी, तो बाज़ अफराद ने बंडी संजय के काफिले पर अंडों से हमला किया। अंडे यात्रा की कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के कैमरों पर गिरे और टूट गए। इस वाक़े से बीजेपी कारकुनान चौकन्ना हो गए और हमलावर भाग गए। इस हमले पर बंडी संजय बरहम हो गए। वो इस बात पर संजीदा हो गए कि कांग्रेस के लीडर पुरअमन यात्रा में लोगों को मुश्ताल कर रहे हैं। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी कारकुनों को छूते हैं तो कांग्रेस लीडर गांव का दौरा नहीं कर सकेंगे। इन्होंने खबरदार किया कि हमारे सब्र को बेबसी न समझें। इन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वो आपकी मौजूदगी में इन पर हमला कर रहे थे तो वो क्यों खामोश रहे, हमला करने वालों को क्यों नहीं रोका गया। बंडी संजय ने कहा कि मुझे पुलिस की हिफाजत नहीं चाहिए, बीजेपी कारकुन मेरे तहफ्फुज़ का ख्याल रखेंगे। दरियासना शदीद कशीदगी के दरमियान वंगारा में बंडी संजय प्रजा यात्रा जारी रखे हुए हैं।
बीआरएस को लगा एक और धक्का, नगर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट रामुलू छोड़ रहे हैं पार्टी। नगर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट रामुलू ने पार्टी से अलहदगी अख्तियार करके बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। अगरचे खयास आ रहे थे कि वो कांग्रेस या बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन इन्होंने जाफरानी जमात में शामिल होने का फैसला किया। रामुलू कुछ अरसे से बीआरएस पार्टी के आला लीडर्स से नाराज थे। वो जिले में होने वाले पार्टी इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे थे। जराए का कहना है कि अपने बेटे भारत के सियासी मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए इन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। दुनिया में कदम रखें आरएन गैलरी मेंस फैशन वेयर। हर ट्रेंड, हर स्टाइल, हर अंदाज यहाँ मिलेगा। ब्रांडेड कपड़े वो भी वाजिबी दाम पर, कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ यहीं मिलेगा। आज ही हमारी दुकान पर आएं और अपने फैशन का नया इतिहास लिखें। आरएन गैलरी मेंस फैशन वेयर, नए अंदाज, नए फैशन का नया दस्तूर। ओल्ड सिटी ब्रांच अपोजिट एमडी फंक्शन हॉल, शाहीन नगर हैदराबाद। न्यू सिटी ब्रांच जानकी नगर कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद। 8187867000। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जीरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इनके ही वाजिबी दामों में। ऑनलाइन से मुतालिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल, न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रायचू बाजार के बाजू की गली में। 9030127804। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जीरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इनके ही वाजिबी दामों में। ऑनलाइन से मुतालिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल, न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रायचू बाजार के बाजू की गली में। 9030127804। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।